बैक आई एम फ्रॉम डॉक्टर दिल्ली मेरे प्यारे बच्चे मैंने क्या किया कि आपको अंग्रेजी बोलने के लिए कुछ टेक्निक दे रहा हूं एक्चुअली पढ़ने के साथ साथ टाइम टू टाइम कुछ टेक्निक को फॉलो करोगे ना तो अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा मैं आपको आज ऐसा टेक्निक दे रहा हूं अगर आपने इसे फॉलो कर लिया ना तो आपका अंग्रेजी लॉलीपॉप हो जाएगा आप आसानी से बोल सकते हो सबसे पहले आपको चार नियम पे फॉलो करना है इस फोर रूल्स को फॉलो कर लिया तो आपको अंग्रेजी बोलना लिखना समझना सब आ जाएगा आपको बड़े बड़े सेंटेज बड़े बड़े यूट्यूब चैनल दे आपने देखा होगा बहुत से लोगों का फॉलो किया होगा आपने आपको देखना यह है कि आपको अंग्रेजी अब तक बोलना क्यों नहीं आ रहा क्योंकि हम लोगों के पास जड़ कमी है जड़ का भाव है तो इस जड़ को हाईलाइट कैसे, कैसे करें तो इस जड़ को हाईलाइट करने के लिए हमने कुछ टिप्स बनाया है कुछ आपके लिए ढूंढा है कि आखिर कमी कहाँ है तो आपके पास जो कमी है वो कमी पता है क्या हो रहा है आपके पास कमी हो रहा है ग्रामर का यानी आपके पास ग्रामर का जो है ना बेसिक नॉलेज नहीं है जैसे ग्रामर में क्या पहला पॉइंट है टोटल चार चीज़ को फॉलो करना है पहला पॉइंट है लैक ऑफ ग्रामर नॉलेज यानी ग्रामर के लिए आपके पास कॉमन सा इज़ एम आर वाज और वर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए जैसे हम बोले यू आर ए स्टूडेंट ही इज़ अ टीचर ही इज़ एन इंजीनियर आई एम अ टीचर यू आर अ डॉक्टर तो आपके पास एक बेसिक नॉलेज यू वर ए स्टूडेंट ही वॉज़ अ स्टूडेंट है ना दे वे आर गोइंग टू मार्केट तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर इज एम आर का पता होना चाहिए जब आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट इज एम आर का वाज पता होगा आपके पास डू डीड का नॉलेज पता होगा आपके पास हैज़ हैव हैड का नॉलेज पता होगा तो आपके पास हैज हैव हैड का नॉलेज पता होगा तब आप बेसिक अंग्रेजी आसानी से बोल सकते हैं कर सकते हैं तो आपके पास जो नॉलेज होना चाहिए वो पहला पॉइंट ग्रामर के बारे में तो ग्रामर में कौन कौन सा चैप्टर सर तो मैं आपको सलाह दूँ बच्चे ग्रामर में तीन चार चैप्टर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए पहला चीज़ अगर आप इफ़ यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली देन यू हैव टू हैव डीप नॉलेज कितना पैम तो पहला चैप्टर होना चाहिए ंबर में वो टेंस का ज्ञान अगर आप कहीं पढ़ रहे हो कहीं भी कोचिंग कर रहे हो कहीं भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हो वैसे तो मैं दिल्ली में पढ़ाता हूं आप दिल्ली आकर मेरे से क्लास कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है है ना लेकिन आप अगर कहीं भी पढ़ रहे हो किताब से यूट्यूब से तो टेंस का डीप ज्ञान डीप ज्ञान कौन सा वाला वो वाला ज्ञान <ti> <bạn> नहीं कि ताओ रहा रही चुका ऐसा नहीं जैसे मैं कहा कि मेरा भाई सोया है मेरा भाई सोया है तो मेरा भाई सोया है ये मत बोलो कि माई ब्रदर है स्लेप्ट क्योंकि आपने क्या पढ़ लिया जिसके अंत में या है जिसके अंत में दी है जिसके अंत में ली है प्रेजेंट टेंस ऐसे पढ़ के अंग्रेजी नहीं आएगा बोलने आपको बोलना है माइंड से यानी माइंड में अंग्रेजी बिल्कुल हिंदी की तरह बिल्कुल लॉजिकल होना चाहिए मेरा भाई सोया है माय ब्रदर इज स्लीपिंग क्योंकि सोया है मतलब काम चल रहा है सोया है मतलब काम चल रहा है तो काम चल रहा है तो कॉन्टिन्यूस तो टेंस हुआ ना कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ ना तुम तो खड़े हो यू आर स्टैंडिंग मैं बैठा हूँ आई एम सिटिंग वो धूप में खड़ा है ही सिटिंग इन द सन मेरा भाई सोया है माई ब्रदर इज स्लीपिंग वो बस स्टॉप पे खड़ा है ही जस्ट स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप तो बस स्टॉप पे खड़ा है तो खड़ा होने काम क्या हो रहा है चल रहा है तुम बैठे हो बैठने का काम क्या हो रहा है चल रहा है तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा तब अंग्रेजी आपका स्ट्रांग होगा तो हमने क्या कहा टेंस का बढ़िया नॉलेज आपके पास होना चाहिए अगर टेंस का नॉलेज है तो आपका अंग्रेजी बेहतर हो सकता है इसके साथ साथ आपको और ज्ञान चाहिए दूसरा इसके साथ साथ प्रिपोजिशन का ज्ञान होना चाहिए बच्चे प्री पॉजिशन का ज्ञान होना चाहिए प्रिपोजिशन क्या, क्या होना चाहिए सर जैसे मान लो हमने कहा कि यू शुड वेट यू शुड वेट अब यू शुड वेट अब ध्यान देना यहाँ पे कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वेट ऑन भी होता है वेट फॉर भी होता है वेट फॉर का मतलब इंतजार करना वेट ऑन का मतलब होता है सेवा करना अब यू शुड वेट अगर सेवा करने का भाव निकल रहा है तो वेट ऑन तो आपको कुछ ना कुछ प्रेपोजिशन का भी ज्ञान जरूरी कहता है तब आपको इसके लिए ज्ञान जरूरी है प्रेपोजिशन के साथ साथ वॉइस का नॉलेज वॉइस का नॉलेज भी जरूरी है जब अगर वॉइस का ज्ञान हो जाएगा तो टेंस प्रिपोजिशन वॉइस इसके साथ साथ कंजंक्शन के ज्ञान होना जरूरी है तो ग्रामर में ये सब ज्ञान आपके पास होना चाहिए तब आप धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलने क्रम में हो जाएंगे तो आप जहाँ कहीं भी अंग्रेजी पढ़ रहे हो चाहे इंडिया के अब किसी कोने में अगर आप मेरा यूट्यूब देख रहे हो तो यूट्यूब पर हमने टेंस का वीडियो बनाया है यूट्यूब पर हमने प्रिपोजिशन बनाया है यूट्यूब पर हमने वॉइस बनाया, बनाया है जितना बनाया है अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हैं ग्रामर डिटेल पढ़ना ग्रामर तो अब दिल्ली दूर नहीं है दिल्ली आप आ सकते हो या घर बैठे भी आप ऑनलाइन क्लास धर्मेंद्र सर मेरा ले सकते हो ये पहला कॉन्सेप्ट है दूसरा कहता है कि आपके पास ग्रामर का पहले एक बेसिक नॉलेज आ गया बढ़िया ग्रामर आ गया इज का प्रयोग आ गया वाजबेर डू डज आ गया तो ये सब एक ग्रामर का बेसिक नॉलेज आपके पास आ गया प्रिपोजल में ऑन इन इन विदाउट विद इन का प्रयोग करना आ गया आपके पास कंजंक्शन का प्रयोग करना आ गया राइट तो इतना प्रयोग करना आपको बेसिक आ गया अब जब इतना प्रयोग करना आ गया तो अब अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई आपके पास थोड़ा सा नॉलेज चाहिए रीडिंग का यानी आपके पास ग्रामर का नॉलेज आ गया तो अब क्या काम करो कि रीडिंग करो आप कोई भी न्यूज पर ले लो मैगज़ीन ले लो आप ले करके पढ़ना शुरू कर दो कोई भी किताब ले लिया जैसे मान लो हमने एक किताब ले लिया ये मान लो डी का एल अपनी बुक है हमने किताब ले लिया और यहाँ पर हमने पढ़ना शुरू कर दिया कि सम्बन वन सेट दैट वे वेन पीपल गो टू सिनेमा दे हैव लेव इट तो इस तरह से आप बोल करके रिलगाना है ना तो जब आप बोल कर पढ़ोगे कि मैन विल एस्पायर कंट्रोल टू सी अस्काई इन स्पेस द हाई एयर विल तो इस तरह से आपको बोल करके एक बार पढ़ने की आवश्यकता है तो जब आप बोल करके पढ़ोगे तो आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपके कंट खुल जाएंगे तो एक बार रीडिंग करना है क्योंकि आप सोचोगे कि माहौल चेंज कर दूंगा आसपास के लोग अंग्रेजी बोलेंगे तो नहीं आएगा कभी देखो रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है जैसे मान लेते हैं कि आपका वोकल कॉर्ड है आसपास का माहौल है ये आसपास के माहौल है ठीक है अब आसपास के माहौल में सारे लोग हिंदी बोलते हैं सारे लोग हिंदी बोलते हैं सारे लोग हिंदी बोलते हैं अब सारे लोग हिंदी में लगे हुए हैं तो आपको अंग्रेजी बोलना कैसे आएगा आप भी उनके साथ हिंदी हिंदी बोलते हो तो मेरे बच्चे ध्यान रखो जब दिन भर आप हिंदी बोलते हो तो अंग्रेजी बोलना कैसे आएगा सो यू डोंट ट्राई टू चेंज योर इन्वायॉयरमेंट आप इन्वायॉयरमेंट कभी चेंज कर सकते हो क्या नहीं ना तो यू शुडेंट ट्राई आपको ट्राई नहीं करना चाहिए यू शुड चेंज योर सेल्फ़ अपने आप को चेंज करो देन यू आर एबल टू स्पीक तो अपने को चेंज कैसे करें नोवन इज एबल टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ यू कोई तुम्हारे सामने बोलने के प्रयास नहीं करता सो आपको अपने आप में अंग्रेजी बोलना है अपने आप में आप इस माउस से सबसे पहले इंग्लिश आप पढ़ने का प्रयास करें जब आपकी आंखें इंग्लिश देखेंगी इंग्लिश बोलेगा तो अपने आपका रीडिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आप रीडिंग करेंगे ना तो कंट खुलेगा बोलना आसान हो जाएगा तीसरा पॉइंट आपने सबसे पहले क्या किया ग्रामर ग्रामर के बाद क्या किया रीडिंग रीडिंग के बाद क्या करना है राइटिंग आप राइटिंग क्यों सर जब आप राइटिंग करोगे ना तो आपको सबसे पहले बोलना सीखना है लिखना हमने थर्ड स्टेप में दिया है थर्ड स्टेप में क्या रही राइटिंग क्योंकि अब आप, आप धीरे धीरे उस लायक बन जाओगे कि आपको कुछ लिखना आना चाहिए क्योंकि आप जब बोलोगे तो जब कोई वो है जैसे मान लो आपने एक पेज पढ़ा एक पेज में पाँच वो आपको नहीं आया अब जो वो आपको नहीं आता है उसको आप राइटिंग कर लो लिख लो और लिख करके उसको याद कर जाओ उस वो को जैसे जुडिशरी सिस्टम हो, सिस्टम हो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो एडमिनिस्ट्रेटिव हो अभी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं तो कई तरह की चीज़ को आप क्या करो कि इसको रेगुलर वे में याद कर जाओ इस वो कैब को आपको आजीवन याद हो जाएगा और मैं किन दिलाता हूं जब आप राइटिंग कर लोगे तो आपको परमानेंट याद हो जाएगा और चौथा पॉइंट में बात कर रहा हूँ आपको करना क्या है स्पीकिंग करना है स्पीकिंग करना है ये चार पॉइंट पे आपको फोकस करना है मेरे दोस्त सबसे पहला काम ग्रामर दूसरा काम रीडिंग तीसरा काम राइटिंग और चौथा काम स्पीकिंग इससे क्या होगा कि आप जब काम करोगे स्पीकिंग का तो स्पीकिंग कहाँ से आएगा तो स्पीकिंग करने के लिए लिसनिंग करना है आपको रेडियो सुनना है आप रेडियो सुनो आप टीवी सुनो आप कहीं कही ना कहीं से न्यूज़ सुनो इसी को सुन करके यहीं को दोहराना है स्पीकिंग करना है आपने जो राइटिंग किया इसी को बोलना है आप रीडिंग किया इसी को बोलना है यानी स्पीकिंग के लिए क्या करना है टेंस का ज्ञान आपने टेंस पढ़ लिया टेंस के छोटे छोटे सेंटेंस आपको बोलने का प्रयास करना है आपने वॉइस लिया कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी थ्री हमने आपको सिखा दिया कि सब्जेक्ट यदि नॉन लिविंग हो तो वी थ्री का प्रयोग करो जैसे हमने कहा कलम टूट गया पेन इज ब्रोकेन सब्जी बिकती है वेजिटेबल्स आर सोल्ड मकान बनते हैं बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड है ना रोड बनता है रोड इज रिपेयर्ड तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर कहाँ से आया एक ग्रामर से आता है तो आपके पास सबसे पहले ग्रामर का एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है ग्रामर के साथ साथ रीडिंग करना है न्यूज़पेपर हो एन सी आर टी हो योजना हो कुरुक्षेत्र हो फिर राइटिंग करना है तो राइटिंग कहाँ शुरू करना है भाई रीडिंग के लिए कोई भी किताब ले सकते हो नावल हो पेपर हो कोई भी ले सकते हो राइटिंग के लिए जो आप रीडिंग करते हो ना उसी से लिखना है जो वो कैब नहीं आता है उसको राइट कर लेना है लिख लेना है और चौथा पॉइंट स्पीकिंग करना है और स्पीकिंग के लिए लिसनिंग राइटिंग रीडिंग और ग्रामर तक बात आता जाता है तो आप जब लिसनिंग करोगे तो इससे आपका किसी वर्ड का प्रोनाशिएसन क्या होगा वो समझ में आएगा तो जब आपको जब समझ में आता है प्रोनन्िएसन क्या होगा तो किसी वर्ड को आप उच्चारण कैसे करोगे तो उस लिसनिंग से आएगा तो आप किसी चीज़ को लिसन करो बहुत बारीकी से कान में हेडफोन लगा लो लीड लगा लो और लगा करके इस चीज़ को बारीकी से सुनो कि आखिर वो बोल क्या रहा है और उसी वर्ड को स्पीकिंग करो दोहराओ आप बोलते रहो धीरे धीरे आप बोलते रहो जो बोला पीछे से आप बोलो जो बोला पीछे से आप बोलो और जो आपने वो कैब पढ़ा है दिन भर में शपथ लो कि पांच से दस वो कैब हमको बोल लेना है और इसके साथ साथ टेंस का ज्ञान है तो आप बोलो आई गो यू गो दे राम गोज लता गोज लता ईट्स सी ईट्स राम ईट्स आई ईट यू ईट दे ईट तो जब आप एक वो कैब ले लोगे और एक वो कैब लेकर पचास बार आई के साथ यू के साथ ही के साथ दे के साथ राम के साथ लता के साथ जब आप बोलोगे तो आपका अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगा आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हो सीख सकते हो लेकिन आपको बोलना है तो आपको बोलना पड़ेगा ना आपको बोलना है तो एक बार प्रयास तो करना होगा एक बार कोशिश करो धर्मेंद्र शर्मेश आपके साथ हैं बस एक बार चलो मेरे साथ अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा इन सबको सारे बच्चों को दो जिनको आवश्यकता है मैं चाहता हूं कि ये टेक्निक हरे पूरे भारत में क्रांति की तरह फैलना चाहिए बस एक बार फैला दो पूरे क्रांति की तरह और इसको देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद